गाइस हम रोप वे में बैठ गए और बहुत मजा आया। हाय गाइस, फाइनली हमने हरिद्वार के होटल में चेक इन कर ली और आज हम जाएंगे हरिद्वार घूमने। दिन की शुरुआत हमने ये मंदिर से की। आप देख सकते हैं ये भोले बाबा का मंदिर है, जहाँ पे भोले बाबा ने माँ सती को ऐसे होल्ड किया है जब वो सती हो गई थी यज्ञ में। उसके बाद गाइस पंडित जी ने ये टीका लगाया है, मंदिर बहुत अच्छा था। जो कभी पता नहीं था वो भी हमने इस मंदिर में देखा कि क्या एक्चुअली होता है। ये राजा दक्ष का मंदिर था, यहाँ पे कैसे सती माँ ने वो यज्ञ में भस्म होके अपनी अपनी लाइफ दे दी थी, क्योंकि उनको इनविटेशन, उनके हस्बैंड मीन्स शंकर जी को इन्विटेशन नहीं मिला था। इसलिए बहुत अच्छा मंदिर है, अंदर काफ़ी स्टोरी टाइप इन्होंने क्रिएट किया है जो बहुत अच्छा था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। गाइस ये सारी ट्रिप में मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू अमेज हॉलीडेज। एक्चुअली अमेज हॉलीडेज ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था। मीन्स मेरी पूरी वेकेशन ट्रिप आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वेकेशन व्लॉग, उसमें मैंने जहाँ भी हम गए वहाँ पे इतना अच्छा अरेंजमेंट था। आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग हियर बिकॉज एक्चुअली हम जब मसूरी गए थे तो हमारा होटल का व्यू हमें अच्छा नहीं लगा। एंड यू विल नॉट बिलीव गाइज, रात के 12:30 हमने इनको कॉल किया, अमेज हॉलीडेज़ मिस्टर कल्पेश को। उन्होंने 12:30 रात के हमारा रूम चेंज करवा के हमें एकदम ब्यूटिफुल व्यू का रूम शिफ्ट करवा के दिया। मीन्स आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड एंड आई विल हाईली रिकमेंड इफ़ यू आर प्लानिंग योर वेकेशन ट्रिप और एनी काइंड ऑफ ट्रिप, प्लीज़ चूज अमेज हॉलीडेज़ फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप। You will really have an amazing experience what I had for my trip. मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम आई डी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे उनका नंबर भी शो हो रहा होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। अब हम आ गए थे माँ चंडी और माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए। कहते हैं अगर आप हरिद्वार आए तो आपको ये दोनों मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। तो यहाँ हमें माँ चंडी के दर्शन करने मिलते थे, उसके बाद हमें माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए जाना था। गाइज हम चंडी देवी मंदिर पहुँच गए हैं, यहीं से हम मनसा देवी मंदिर भी जाएंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मास्क कंपलसरी है, आपको मास्क पहनना है। तो हमने बाहर से डिस्पोजेबल परचेज किया और फिर हम अंदर एंटर हुए। अब यहाँ हम रोप वे से जाएंगे, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं ये रोप वे है। यहाँ से हम चंडी देवी और मनसा देवी दोनों मंदिर जाएंगे। अगर अंदर फोटोग्राफी अलाउड रहेगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी अंदर। तो चलते हैं दर्शन के लिए। गाइस हम रोप वे में बैठ गए और बहुत मजा आ रही है। अब पीछे का व्यू देख सकते हैं। We'll be right back.
गाइस हम इतने ऊपर आ गए कि नीचे की जमीन दिख ही नहीं रही है और पूरा एरिया फॉगी हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने आपको अभी जस्ट व्यू दिखाया कि हम कितने ज्यादा ऊपर है, अभी भी ये चल ही रहा है, मीन्स कितना ज्यादा ऊपर है। ऑलमोस्ट 2 मिनट से हम रोप वे में ही बैठे हैं, बट इंजॉयमेंट काफी है, बहुत मजा आ रही है। फाइनली 2 मिनट के बाद ये मुझे दिख रहा है वहां पे रोप वे का स्टॉपेज, हम वहां रुकने वाले हैं। बट यहाँ पे कुछ भी व्यू दिख नहीं रहा है गाइस, बिकॉज बहुत फॉगी है। आपको दिख रहा है? कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा है। अब हम जाएंगे मंदिर और मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर का व्यू। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो रहा मंदिर, शायद नहीं दिख रहा हो गाइस। अब हम जा रहे हैं माँ चंडी देवी के मंदिर, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी स्टेयर्स है चढ़ने के लिए। मास्क कंपलसरी है, अब ये चढ़ने ही जा रहे हैं ऊपर की सीढ़ियाँ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है यहाँ की सीढ़ियाँ। एंटर कर चुके हैं मंदिर में, ये मंदिर तक जाने का रास्ता है। हम बहुत जल्दी सुबह आ गए हैं तो इतनी भीड़ नहीं है, काफी खाली है, हम फटाफट जा सकते हैं अंदर दर्शन करने। अगर मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड रहेगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं बट अंदर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड थी तो फोटोग्राफी कर नहीं पाए। कितने फीट ऊपर आए होंगे हम लोग? कम से कम 4000 फीट ऊपर। ये देखिए ये त्रिशूल वाला टीका लगाया हमें चंडी देवी मंदिर में। चंडी देवी मंदिर एक्चुअली ना माँ, हाँ देखिये यहाँ पे ये मंदिर है, मैं आपको दिखा देखिए अब दिखाई देगा, ये रहा माँ चंडी का मंदिर। ये मैं आपको रोप वे में बैठ के दिखा रही हूँ, हम नीचे जा रहे हैं। ये है मंदिर जो ऑलमोस्ट 4000 फीट ऊपर है। आपको पता है गाइस माँ चंडी का जन्म हुआ था क्योंकि देवी देवता है बहुत परेशान हो गए थे जब शुभ निशुम का, एक्चुअली शुभ निशुम ने देवी देवताओं को बहुत परेशान किया था, तो माँ चंडी ने जन्म लिया था और शुभ निशुम का वध किया था, तभी से वो फेमस है सबकी दुख तकलीफें दूर करने के लिए। तो हम इसलिए माँ चंडी का दर्शन करके आए हैं, अब हम जा रहे हैं माँ मनसा देवी के दर्शन करने। नीचे का व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस हम कितने ऊपर आए हैं, मुझे तो देख के बहुत डर लग रहा है, मैं बंद करती हूँ। गाइस यहाँ पे रोपवे को उड़न खटोला कहते हैं, और आपको पता है अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि हमारा उड़न खटोला थोड़ी देर के लिए रोका गया है, और इतनी डर लग रही है। खुश आपको डर लग रही है? ये देखिए हम रुक गए बीच में, पता नहीं क्यों कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है तो रुक गया है, चालू हो गई, स्टार्ट हो गई है। गाइस हम पहुंच गए मनसा देवी टेंपल, आप मेरे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मनसा देवी का मंदिर। अब यहाँ से जाएंगे रोपवे पे, फिर ऊपर जाके आपको मनसा देवी टेंपल दिखाते हैं अगर फोटोग्राफी अलाउड रही तो। ये है रास्ता मंदिर तक जाने का, यहाँ से पहले हम रोपवे स्टैंड जाएंगे, फिर वहां से रोपवे में बैठ के ऊपर मंदिर, मंदिर काफी ऊपर है। गाइस हम रोपवे में बैठ गए, अब हम जा रहे हैं मनसा देवी टेम्पल। ये देखिए रोपवे का व्यू, अब हम जा रहे हैं मनसा देवी टेम्पल।
ऊपर चढ़ के दर्शन करने जाते हैं। तो हम भी जाएंगे मनसा देवी मंदिर में, देखते हैं पे क्या है। अगर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड नहीं रहेगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो यहाँ से आपको माँ गंगा का भी दर्शन हो जाएगा। ये इतना ऊपर है कि यहाँ से सारा व्यू दिखता है। गाइस ये रहा मंदिर। अब हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। ऑलमोस्ट 45-50 सेकेंड्स का ये रोप वे जर्नी था, एक मिनट का, हाँ ऑलमोस्ट 2 मिनट की जर्नी थी ये रोप वे की। ये देखिए रहा मंदिर, अब हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। मेरा हाथ भी फ्रीज हो गया है, जूम ही नहीं हो रहा है। दर्शन कर लिए, अब दर्शन के बाद हम खा रहे हैं गरम गरम मूंग के भजिए, और ये ठंडी में बैठ के जो बहुत ज्यादा मजा आ रही है। ये बहुत भूखा रहता है हमेशा, अभी खा रहे हैं। दर्शन तो अच्छे से हो गया लेकिन सच में भूख लगी है बहुत ज्यादा। ठंडी में एक्चुअली भूख ज्यादा ही लगती है। गाइस हमने दर्शन भी कर लिए और मूंग के भजिए के नाश्ते भी कर लिए, अब हम जा रहे हैं नीचे रोप वे से। आप देख रहे कितनी फास्ट जा रही है, स्पीड तो बहुत ज्यादा है। ये देखिए कितने ऊपर हम आए थे और आप कैसे नीचे जा रहे हैं। मंदिर उधर है। ये राम मंदिर, हम यहीं गए थे, अब जा रहे नीचे। हरिद्वार काफी स्पिरिचुअल प्लेस है, यहाँ पे हर एक जगह छोटे छोटे मंदिर है। अब हम जाएंगे घाट पे। हम जब हरिद्वार के घाट पे जा रहे थे तो हमें ये शॉप दिखी जहाँ पे काफ़ी वैरायटीज थी सी शेल्स की। हमने अंदर एंट्री ली, एक्चुअली बहुत अमेजिंग व्यू था गाइस। यू कैन सी द मिरर्स, उनके अराउंड जो डेकोरेशन थी, द वे दे हैड रिप्रेजेंटेड, बहुत अच्छा था। हमने शॉप अंदर से जाके देखी और काफ़ी कुछ देखा जो शायद पहले हमने कभी देखा नहीं था। ये क्या बताया आपने प्राइस मिरर का? इसमें अलग अलग है, 350, 220, 450। वो जो स्क्वायर वाला है वहाँ पे 450। ये इतने बड़े शंख भी बचते हैं क्या? वो कितने का है? ये है 32,000 रुपए कुंदन। 32,000 का शंख, 32,000। हाँ सी दैट वन, जो ऑरेंज कलर, हाँ वो ऑरेंज वाला तुमने कभी देखा पहले? मिलता भी तो होगा। 32,000। कह रहा था आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाना है, फाइनली इसको कुल्फी खिलाई। पेंसिल की शेप, हाँ यार खा, ये हरिद्वार की कुल्फी है।
है मैं हर की पौड़ी पे पहुंच गई हूँ। यहाँ का व्यू देखिए, लोग कहते हैं अगर आप हरिद्वार आओ तो हर की पौड़ी जरूर आओ। फाइनली 3 किलोमीटर्स की वॉक के बाद हम हर की पौड़ी पहुंचे हैं और दिल लगा हुआ है मेरा। थैंक यू, नहीं पैसे नहीं, नहीं थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे लोग बैठे हैं जो गंगा आरती का वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में गंगा आरती शुरू होगी 5:30 पे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे राम सेतु है सामने, ये वाला ब्रिज, और यहाँ पे माँ गंगा, और हम यहाँ ऊपर ब्रिज पे खड़े हैं। मैं आपको थोड़ी देर में ये ब्रिज का लुक दिखाऊंगी। एक्चुअली ये ब्रिज कंप्लीट आर्चरी शेप में बना है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं आपको थोड़ी देर में ये ब्रिज दिखाती हूँ। ये देखिए गाइज, ये है ब्रिज, आप इसका लुक देख रहे हैं, ये कंप्लीट आर्चरी शेप में है। और इसके बाद का व्यू देखिए, ये देखिए यहाँ पे भोले बाबा की मूर्ति है जो फेसिंग अदर साइड है, और ये माँ गंगा। आए और बहुत अर्ली एज में हम हरिद्वार आए हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं सब कुछ यहाँ पे देख सकती हूँ, सारी जगह जा सकती हूँ। पता नहीं लेट एज में क्या हो। ये देखिए गाइस, ये है राजा बिरला टावर, तो पूरा व्यू दिखा देती हूँ। ये है 360 व्यू हर की पौड़ी। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे टेम्पल हैं, और अब यहाँ पे भीड़ लग रही है क्योंकि आरती का टाइम है 5 बजे, तो आरती शुरू होने वाली है। गाइस देखिए अभी यहाँ पे आरती होने वाली है। जस्ट पीछे मेरी जगह दिखी ना, ये कारपेट वाली, यहाँ पे आरती के लिए सारी प्रिपरेशन चालू है और हम भी यहाँ बैठ रहे हैं। अब थोड़ी देर में आरती शुरू होगी। ये देखिए गाइस, यहाँ भजन कीर्तन हो रहा है और माँ की पालकी भी साथ में ले आ रहे हैं। ये पालकी एक बार लेके आएंगे और यहाँ स्थापित करने के बाद फिर गंगा आरती शुरू हो जाएगी।
गाइस आरती हो गई है। आरती के बाद एक्चुअली पूरा क्राउड स्कैटर्ड हो गया है, आप देख सकते हो कितनी ज्यादा रश है यहाँ पे। और हमने यहाँ से एक कैन लेके उसमें गंगा जल लिया, दिखाओ एक बार। ये गंगा जल हमने ले लिया है कि घर वालों को भी दे देंगे। अब यहाँ से निकलेंगे क्योंकि ठंड पड़ती ही जा रही है, बहुत ज्यादा ठंड है। पर गंगा आरती अटेंड किया वो बहुत वर्थ। ये देखिए हम ये ब्रिज पे वॉक कर रहे हैं, जो मैंने आपको बाहर से दिखाई थी कि जो आर्चरी के शेप में है, ये वही ब्रिज है। हम उसके ऊपर आप वॉक कर रहे हैं और यहाँ गंगा आरती के बाद हम वो साइड जा रहे हैं। गाइस हमारा ट्रिप यही खत्म होता है। हमने ये ट्रिप में बहुत इंजॉय किया और मैंने आपको सारी जगह दिखाई। आई होप कि आपको सारा व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपने ये व्लॉग नहीं देखे हैं मेरे विंटर ट्रिप के, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने सारी जगहों के व्लॉग सेपरेट डाले हुए हैं, आप देखना, लाइक करना, प्लीज़ कमेंट करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइज व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको उनसे मिलाऊँगी जिन्होंने हमारी ट्रिप में हमारी बहुत हेल्प की है और हमें सब कुछ दिखाया है। तो हम आपको मिलाते हैं हमारे ड्राइवर जयपाल जी से। हाय बोलिए जयपाल जी। हम इन्होंने हमें एक्चुअली स्टार्टिंग में हमारी पूरी ट्रिप जहाँ से शुरू हुई थी पूरा स्टार्टिंग में हमें आगरा, दिल्ली, मसूरी, फिर ऋषिकेश, हरिद्वार सब जगह काफ़ी अच्छे से दिखाया। थैंक यू सो मच जयपाल जी, ये हमारे ड्राइवर हैं, उन्होंने हमारी सच में बहुत हेल्प की इस ट्रिप में। थैंक यू सो मच जयपाल जी।